हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो गाइस, आज संडे और संडे मॉर्निंग राइड के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो गाइस, आज का जो राइड होने वाला है वो फन राइड होने वाला है। हम लोग आज बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए घूमने तो जा ही रहे हैं, साथ में साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं और व्यू आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत दिखाने वाले हैं। तो आज आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद आपने देखा होगा और नहीं भी देखा होगा। तो गाइस, आज का जो राइड होगा फन राइड है और आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा, तो देखते रहो वीडियो को। अभी मैं घर से निकला हूँ, आगे जाकर के विनेश मिलेगा मेरे को और उसके साथ फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो गाइस, आज का जो वेदर है वो भी काफ़ी अच्छा है। आज हवाएं चल रही हैं, बादल लगा हुआ है, आई होप कि आज बारिश भी कहीं हो। तो अगर कहीं बारिश शुरू हुई तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बैकपैक में गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो गाइस, आई होप कि बारिश ना हो और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। इस ट्रक का हो गया कांड, ये ट्रक हो गई ख़राब यहाँ पे। ओह माय गॉड, देयर इज समथिंग हैपन। ओह शिट, यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हुआ है आई थिंक। तो गाइस, ये रहा विनेश। तो गाइस, सडनली बादल भी हट गया। ऐसा लग रहा था मॉर्निंग में कि बारिश होगा बहुत तेज, बट सडनली से सारा बादल हवा के साथ भर गया। तो आई डोंट थिंक कि आज बारिश होने वाला है, बट हाँ, धूप काफ़ी तेज निकलने वाली है। आजकल द्वारका में भी काफ़ी ज़्यादा साइकिलिस्ट दिखते हैं, बहुत सारे हमारे जैसे फन राइडर्स मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे सीरियस राइडर भी हैं जो सीरियसली साइकिल को चला रहे हैं। तो अच्छी बात है, लोग अपने हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं आजकल। और ये हमारे बुलेट भैया जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, उनको पता नहीं कितना मज़ा आता है ऐसे ब्लास्ट करने में। कोई नहीं गाइस, सबकी अपनी अपनी एक्साइटमेंट है, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। गाइस, अगर बारिश होता है तो भी अच्छी बात, नहीं होता है तो भी अच्छी बात। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं सेक्टर 21 द्वारका, और ये रहा सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन। आप देख सकते हो सामने, जो कि अब मॉल में कन्वर्ट हो चुका है। मेट्रो भी है साथ में मॉल भी है। पहले सिर्फ यहाँ पे मेट्रो स्टेशन हुआ करता था और अब साथ में मॉल भी खुल गया है। जहाँ जहाँ जाओ अपने अपने पैसे खर्चे करते रहो। तो गाइस, इस सेक्टर में अभी पूरा काम चल रहा है, सेक्टर 21 के एरिया में। सेक्टर 21 से सेक्टर 26 तक पूरा काम चल रहा है, मेट्रो का, हाईवे का। काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ दिनों से। अगर आप लोग द्वारका में रहते हो तो आप लोग को पता होगा, दोनों साइड ट्री हुआ कर रहा था। और इस बार बहुत ही अच्छा चीज़ मैंने देखा है दिल्ली में, कि जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े ट्री थे सबको काटा नहीं गया है, सबको निकाला गया है जड़ के साथ और कहीं और पे उसको लगाया गया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थैंक यू, ट्रीज़ कटने नहीं दिया। सारे काफ़ी पुराने ट्रीज हुआ करते थे यहाँ पे दोनों साइड। आने वाले हैं अंडरपास, ये वही शख्स है। तो गाइस, आप देखो, जैसे आप देख रहे हो इस ट्री को कैसे प्रॉपर रैप किया गया है प्लास्टिक से, साइड से सारी मिट्टी हटा के पहले रैप किया गया है। रैप करने के बाद इसको छोड़ दिया गया है एक हफ्ते के लिए, और गाइस फिर इसको बुलडोजर से उठा के ले जाएंगे। इसी तरह से पूरे द्वारका में आप दिल्ली से लेकर के नेशनल हाईवे 8 तक जितने भी ट्रीज थे सबको निकाल करके ले गए ऐसे ही। तो ये अच्छी बात है गवर्नमेंट का, क्या बोलते हो? कम से कम ट्री को कटने नहीं दिया है। हाँ, बीच में 10 के साथ दो ट्री भले ही काट दिए, आप देखो सबकी पैकिंग हो रखी है, सबकी पैकिंग सब उठ करके जाएगा।
तो ऐसे यहाँ काम हो रहा है, काश पूरे इंडिया में ऐसे ही काम हो। तो गाइज हमारी एफर्ट जो है राइडिंग में डबल लग रही है, क्योंकि उस साइड से इस साइड की ओर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो हम लोग काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं यार। और यहाँ पे बाइकर्स गैंग की धूम धड़ाके हो रही है। तो गाइस हम लोग अभी टर्न ले रहे हैं टर्मिनल 3 के लिए। तो गाइस हम लोग हैं अभी एयरपोर्ट पे, और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग आगे वहाँ से टर्न मार के आएंगे। तो गाइस सी द व्यूज फ्रॉम हियर। तो गाइस आज संडे था, संडे का हमने साइकिल राइड किया है, और साइकिल राइड करते हुए द्वारका से हम लोग पहुँचे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो बीच में जो पार्क बने हुए हैं वहाँ पे। तो गाइस यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जो पार्क बना हुआ है इसमें साइकिलिंग कर रहे हैं, तो गाइस इसमें साइकिलिंग करने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी पहुंचे हैं महपालपुर। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था, द्वारका से पहले गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर आए हैं महपालपुर। महपालपुर में एक बहुत अच्छा चीज़ है देखने के लिए, और कुछ टाइम पहले मतलब एक दो साल पहले ये बना है, बट कभी मौका नहीं मिला इसके अंदर आकर के देख सकूँ। तो गाइस आप देखो, आपको दिखाता हूँ ये क्या है, आप गेस करो कि ये क्या है। ये है छोटा सा कुतुब मीनार लोटस के बीच में। तो गाइस कितना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे, और एसडीएमसी वालों ने बनाया है। तो गाइस बहुत बहुत थैंक यू एसडीएमसी वालों को जिन्होंने ये इतना सुंदर पार्क बनाया है। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी घर वापस जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोग एयरपोर्ट गए थे, और एयरपोर्ट पे दो डेस्टिनेशन था जो काफ़ी अच्छा सीनरी के मामले में बहुत अच्छा था, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था। तो आपको भी जब टाइम मिले तो आप वहाँ पे जाओ और इन्जॉय करो, काफ़ी बड़ा पार्क है एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यार। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट के पास रहते हो तो आप आ सकते हो और वहाँ एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो इसको आप डिसलाइक करना। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।